हम निकल चुके हैं गोल्डन टेम्पल के लिए। सुबह के 6:30 बजे हैं, बट मैं बहुत सजी सवरी हुई हूँ। आई गॉट अप एट 5:15, 5:20 येस। एंड उठ के तैयार वगैरह हो गई थी बिकॉज आई थॉट कि आज ना हम खाली, पता नहीं ऐसे ही मन किया कि हम दर्शन करें खाली पेट, मतलब कुछ बिना खाए हुए हम सुबह सुबह दर्शन करें। हम दोनों इतने धार्मिक हो गए हैं, पता नहीं। बट पता नहीं हमें, हम कल तक ऐसे कोई डिसाइडेड नहीं था। हम पहले भी बहुत बार आए हैं, कभी कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं था, बट ऐसे मन करा एंड वी वो तो लाइक चल कोई बात नहीं, सुबह जल्दी उठते हैं। और अंकल जल्दी सो भी गए थे। सो पहली बार हम लाइफ में कहीं ब्रेकफास्ट नहाए धोए और खा रहे होंगे। नहीं तो हम ज़्यादा करके ब्रेकफास्ट पहले करते हैं और फिर नहाते धोते हैं। तो बट गुड। और यहाँ से 20 मिनट्स का रास्ता है ऑलमोस्ट। वी आर गोइंग टू रीच। मैंने एक बहुत सुंदर, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा, आई लव्ड इट। मैंने कॉम्पैक्ट और फाउंडेशन यूज़ किया है। रूम पे जाके आपको उसके बारे में बताऊँगी थोड़े टाइम में, तो स्टे ट्यून। बट इट्स रियली वेरी नाइस है, क्योंकि मेरा जिस तरह से मेकअप आज टर्न आउट हुआ है, इररिस्पेक्टिव टू द लाइट, क्योंकि होटल में उतनी अच्छी लाइट नहीं होती, बट तभी भी जैसे येलो लाइट ज़्यादा होती है, बट तभी भी मेकअप टर्न आउट सो ब्यूटिफुली। तो मैं आपको वो हैक बताती हूँ और वो प्रोडक्ट भी बताती हूँ थोड़े टाइम में। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, दिखा दे एक बार। मेरी वीडियो नहीं ऑन किया, मैं बोले जा रही हूँ। ये देखो प्रॉपर्टी लाइट में आ नहीं रही, अभी धूप है, बट मैं बैक साइड कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देखो इतनी सुंदर है ये प्रॉपर्टी। ओह माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल है। And we are heading towards the banquet hall where we have our breakfast. So ये बहुत अच्छी बैठक है यहाँ पे, और रूम थोड़ा सा मेस में है just because हम लोग सुबह सुबह बहुत जल्दी निकल गए थे, तो रूम क्लीन नहीं हुआ अब तक। And look at my skin till now, बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट ने एकदम ही मेकअप को बहुत फ्रेश दिया है। So I have tried Mamaearth foundation as well as Mamaearth ग्लो ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट। ओके, मैं कॉम्पैक्ट ज़्यादा नहीं यूज़ करती थी, बट आई थिंक कॉम्पैक्ट से ना बहुत डिफरेंस आता है। एंड आई कुड सी दैट कि मेरा मेकअप भी ना बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ है। सो आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस मामाअर्थ कॉम्पैक्ट एज वेल एज फाउंडेशन। तो पहले मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। इफ़ यू सी, ये फाउंडेशन ऑयल प्रूफ है, तो आजकल जो चिपचिप वाला मौसम है ना, उसमें ये काफ़ी अच्छा काम करता है। इट ब्लेंड सो स्मूथली। माई शेड इज़ आइवरी एंड इसका कॉम्पैक्ट उसके बाद लगाने से तो और अच्छा एक ग्लो आ जाता है, एक बहुत अच्छा फिनिश आ जाता है ऑन टू योर मेकअप। इट हाइड्स यू नो योर ब्लेमिशेज और एनी मार्क। मेरे चिन पे थोड़ा सा मार्क था, तो उसे बिल्कुल ही इसने कवर कर दिया था। एकदम ज़्यादा कवर नहीं किया, बट यस अ मीडियम कवरेज इट गिव्स एंड दैट्स रियली वेरी गुड। इट वर्क्स ऑन योर नॉर्मल ऑफिस डेज एंड यस इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। इतनी गर्मी में, मतलब मैं 3 घंटे लाइन और वो सब में थी, बट मेकअप बिल्कुल नहीं खराब हुआ, विच इज़ द गुड थिंग। सो मामा दिस वन कॉम्पैक्ट इज मस्ट परचेज। आई गॉट फॉर माई सेल्फ 02 क्रेम ग्लो एंड फाउंडेशन में मेरा शेड है 02 क्रेम ग्लो। दोनों में सेम ही है, बहुत अच्छी शेड्स हैं इनके, डार्कर शेड्स भी हैं आई एम द फर्स्ट लाइक द सबसे लाइट वाला शेड मैं यूज करती हूँ और बहुत अच्छा कवरेज दिया हुआ है. आई रियली लाइक द प्रोडक्ट. मतलब ये मस्ट बाय है मामा शैम्पूज एंड स्किन केयर हेयर केयर प्रोडक्ट्स आपने, बट देयर मेकअप जो मेकअप की सीरीज इन्होंने स्टार्ट की है मुझे बहुत अच्छी लगी है पर्सनली. आई गेव वन टू माई मदर इन लॉ ऑल्सो, तो वो भी लेके गई हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा बिकॉज शी हैज लिटिल बिट ऑफ पिगमेंटेशन, तो वो अपने हाथ में ट्राई करके उन्हें भी पसंद आया. सी मामा अर्थ ऑल प्रोडक्ट्स आर प्लास्टिक पॉजिटिव एंड दे आर पैराबिन फ्री. इट्स अ इंडियन ब्रांड और इनके सारे प्रोडक्ट्स नायका, Purple.com, मामा अर्थ की खुद की वेबसाइट पे, फर्स्ट क्राई पे बेबी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एंड इवन ऑन Amazon दे आर अवेलेबल. अगर आप इनके प्रोडक्ट्स इनकी वेबसाइट पे जाके बाय करते हो सो यू गेट अ 20% ऑफ बाय यूजिंग कर्व्स 2022 दिस कोड. एंड ऑल्सो अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट बाय करते हो फ्रॉम देयर वेबसाइट दे लिंक योर परचेज बाय इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग अ सैपलिंग एंड दे ऑल्सो गिव यू द नेम ऑफ द स्पीशीज एंड एवरीथिंग. ऑल द डिटेल्स हैव बीन गिवन. They have a target of growing 1 million tree by 2025, so which is a very good thing. So seriously, ये वाली चीज तो buy करना ही करना because I really liked it. और ये है 499 का compact and foundation is for 599, which I think is very good. Bottle भी बहुत अच्छी है, travel friendly है. मुझे इसकी packaging, मैंने इसके Instagram पे packaging के बारे में बोला था, मुझे packaging बहुत अच्छी लगी. सो यस, अब चलो आगे बढ़ते हैं. तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है एंड आई हैव फ्यू कंसल्टेशन वर्क, तो मैं वो कंप्लीट करूँगी. सो यस, दैट्स हाउ वी विल बिगिन द डे. सो हो गया था मस्त रेस्ट, 1 घंटे की अच्छी नहीं, मैंने पूरा 3 घंटा सोया. मैंने 2 घंटे, 10 बजे सो के पूरा 12 बजे उठा, 1 बजे उठा. आई हैड कंसल्टेशंस, तो मतलब मैं काम कर रहा था तो वो सब करके एंड देन वी आर जस्ट मूविंग आउट फॉर शॉपिंग लिटिल बिट. तो बस जा रहे हैं अभी और अब है टाइम 3:30 ऑलमोस्ट. पहले हमने सोचा था स्पा ले, बट यहाँ स्पा ना, एक तो कपल स्पा नहीं है क्योंकि जोधपुर में आदित्य के साथ बहुत बुरी घटी थी, एंड सेकेंड इज दे हैव वन एट अ टाइम, सो हम दोनों फुट स्पा भी नहीं करवा सकते साथ में. मतलब जो थेरेपिस्ट है एक ही है आई थिंक. हाँ, वो कुछ ऐसे ही बोल रही थी, वैसे मैंने पूछा भी नहीं. सो अनफॉर्चुनेटली इस बार स्पा कैंसिल हो गया, बट हमारा स्पा सबसे अच्छा लीला में था, JW मैरियट जो जयपुर में है, अब लीला हो गया जो भी उनकी, तो वो वाला बहुत अच्छा था. That was the best. वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था. We went in 2019 में ना. ये गैलरी में ना ये जो पिक्चर्स है ना गोल्डन टेम्पल की, सीधस मैं आपको एक दिखाती हूँ. सो ब्यूटिफुल ये वाली. आई लव द वे दे हैव पुट दिस ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स. सी दिस इज सो नाइस. तो बहुत ही अच्छा ऐसे ना कैप्चर किया हुआ है, which I really love. So ये आज का व्यू है अभी का, सुंदर है ना. और यहाँ हमारी गाड़ियाँ पार्किंग है एंड यू हैव टू वॉक दिस लेन, तो छोटी सी लेन है. तो हमें एक्चुअली ऐसी जगह पे ही अच्छा लगता है ज़्यादा, जहाँ थोड़ा रिसोर्ट हो. मतलब ये जैसे इसका रूम वगैरह भी अच्छा है प्लस रिसोर्ट भी अच्छा है, खुला है, तो हमें इस टाइप का काफ़ी अच्छा लगता है. हम पहले JW मैरियट जयपुर वाले में गए थे जो अब लीला बन चुका है, और एक वेस्टिन पुष्कर, तो उन दोनों के व्लॉग भी मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो चेकआउट करना. वो भी इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ थी, तो वो भी हमें बहुत पसंद आती है. तो चलो चलते हैं अभी मार्केट की तरफ. शॉपिंग पापड़ वड़ियाँ और सब चीज़ों की मैंने क्लिप बनाई है बट लैंडस्केप में नहीं है। वो कौन से मोड में होता है बेटा? दूसरा पोर्ट्रे मोड ही ना, इसके लिए ब्लॉग के लिए होता है लैंडस्केप। तो वही तो बोला, लैंडस्केप में नहीं बनाई है, पोर्ट्रे मोड में बनाई है, पर मैं इंसर्ट कर दूंगी तो आप देख लेना। एंड अब ये रही सूटों की कलेक्शन। और साथ में आदित्य ने इस बार अपने लिए पठानी सूट सिलवाए हैं, तो आदित्य के पठानी सूट आ जाएं। उसके बाद मैं आज रात को कल सुबह वो ज़रूर व्लॉग करूँगी दैट हाउ इट टर्नड आउट, सो दैट आई कुड क्लिक सम आदित्यस फोटो। एक बार पहन के तो दिखाइए कैसे लगते हैं। टुडे एवरीवन वर आदित्यस फैन, उसकी हाइट के। पर मैंने मम्मा के लिए, मम्मी के लिए, मेरी मॉम के लिए और मेरे लिए सूट खरीदे। सो लेट्स सी कि कैसे आए। और आम पापड़ वड़ियाँ ऑल दीज थिंग जो अमृतसर, अब पकड़ियो अमृतसर का फेमस है। सो वी गॉट दैट। शॉप के नाम मैं नीचे लिख दूंगी जहाँ से हम बेसिकली हर बार शॉप करते हैं। तुम्हारे साथ साथ चलते कम से कम तो आ रहे हैं। हाँ। तो क्योंकि खुशबू फुटपाथ के ऊपर चल रही है, मैं नीचे चल रहा हूँ, इसलिए हम बराबर कम से कम, चलो ब्लॉग करने के लिए अच्छा है एक फ्रेम में आ रहा, नहीं तो अब भी मैं नीचे चले जाऊँगी। या तो खुशबू के ऊपर से सिर्फ बाल आते हैं और मेरी सर आता है, या फिर मेरा सर के नीचे का आता है और खुशबू का फेस आता है। चलो अब हम आ गए नीचे। अब हम ऐसे करो यार नीचे है बिल्कुल ही। बट द प्रॉपर्टी इज सो गुड। प्लीज़ अगर आप छुट्टी एक प्लान छोटी सी, लाइक हमने कहीं और नहीं इतना घूमे, सिर्फ वहीं यहीं गए। बट इफ़ यू आर प्लानिंग सम पीसफुल प्लेस। ये देखियो कितने सारे जामुन है, इतने जामुन है खाने आने। हाय वो देखियो गुच्छा, वही तो कह रहा हूँ। तो क्या भगवान ने जामुन का पेड़ इतना ऊपर बनाया। तो इन लोग फ्रेश निकालते भी हैं क्या, पूछते हैं। इतने सारे जामुन के पेड़ हैं तो कुछ इनके फार्म में से निकालते होंगे। सो येस वी हैव कम। यहाँ लाइट अलग है बिकॉज हम रूम में आ गए हैं। डे लाइट थोड़ी बहुत है और ये आदित्य जी हैं यहाँ पे, तो डे लाइट जो भी है जितनी मैं दिखा रही हूँ आपको। दिस इज़ फर्स्ट सूट फ्रॉम मी। फिर ये मैंने सेकेंड जॉर्जेट में, नहीं दिस इज़ जॉर्जेट, यस आजकल जॉर्जेट फैशन में है। सो दिस इज़ सेकेंड सूट। ये कलर अभी बहुत डार्क लग रहा है बट इन रियल इट इज़ वेरी लाइट कलर, 2 or 3 shade lighter than this color what you're seeing. And this is the third one. ये भी बहुत light color है वीडियो में, क्योंकि light की वजह से थोड़ा dark लग रहा है। So this is the third one which I got. This is very beautiful. I love this piece. Okay. And मम्मियों के लिए I got this. So ये बॉम्बे वाली मम्मा के लिए मैंने ये वाला लिया है। एंड दिल्ली वाली मम्मा ने ये कलर, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है डालते हुए, तो मैंने उनके लिए एक डिफरेंट कलर लिया है। तो दिस इज़ अ ग्रीन वन अगेन, इट्स इन जॉर्जेट। इस पर बहुत अच्छी सीक्वेंस भी लगी हैं। एंड आई गॉट दिस वन। और ये इस बंदे ने पठानी सूट सिलाया है जो आप नेक्स्ट व्लॉग पे देखोगे। एंड आई विल ऑल्सो सी हिम फॉर द फर्स्ट टाइम इन पठानी। मैं बहुत टाइम से तुम्हें बोलती थी कि तुम पठानी सिलवाओ, और इस बार वो हो गई मुराद। माँ कृष्ण जी रखे हुए हैं हमने, उन्हें लाए हैं। एंड ओके दैट्स इट। वी हैव कम फॉर अ अर्ली डिनर। एंड वन थिंग आई विल शो यू, मैं दूसरी जगह भी जाके दिखाऊंगी। वी हैव ब्यूटिफुल क्रॉकरी। इफ़ यू सी दिस पेस्टल थिंग्स, ये इतनी सुंदर है ना। आई एम रियली लाइकिंग दिस। और सबसे बड़ी बात है जिस पे फूल पत्ती बनी हो, खुशबू को तो ऐसे ही अच्छा लग जाता है। ले जाओ, इनके बहुत अच्छा आता है। सो वी हैव जस्ट कम फॉर अ अर्ली डिनर सो दैट वी कुड विजिट रात को अगैन। आई शो यू वन मोर स्पेस जहाँ पर सेम है दिस पेस्टल वर्जन्स। लुक एट दिस एंड द सेम थीम गोज ऑल अराउंड। लुक एट दिस, रियली लव इट। सो खाना सेट हो गया है, लेट अस बुक फॉर आवरसेल्व्स।